भाई क्लच तो बहुत स्मूथ है यार, क्लच भी स्मूथ है और ये देखो, ये देख रहे हो स्टीयरिंग, 150 चल रही है। मेरे को एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो रियर व्हील हो, 4x4 हो। अब क्या है थार के अंदर वो स्मूथनेस नहीं है यार, मतलब मिसिंग है लिटरली, बिल्कुल ऐसा मेरे को ऐसा बोझ लग रही थी मेरे को कि यार वो गाड़ी मेरे पे बोझ बन गई है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मानदर ब्लॉग। तो भाई कैसे हैं आप सब, आज हम आपके सामने लेके आए स्कॉर्पियो एन। भाई ये है स्कॉर्पियो एन और आज हम बात करने वाले हैं टोरे की, टेक्नोलॉजी की, बीस्ट की। तो देखो भाई मेरे दिमाग में ये गाड़ी कहाँ से आई, आज पूरी कहानी बताते हैं आपको। भाई मेरे पास फिलहाल है क्रेटा, वो भी ऑल न्यू 2024 फेसलिफ्ट पेट्रोल एन इंजन वाली। तो यार इस गाड़ी को मैं आज रिव्यू उस नज़र से नहीं कर रहा हूँ, इस गाड़ी को आज रिव्यू कर रहा हूँ मैं खरीदने के लिए। क्योंकि मेरा जो फिलहाल का प्रोग्राम है वो ये है कि यार मेरे पास ना एक रियर व्हील ड्राइव होनी चाहिए, एक 4x4 होनी चाहिए। तो देखो क्या है कि मेरी जो क्रेटा है वो फ्रंट व्हील ड्राइव है, 4x4 भी नहीं है ना, वो कभी हो सकती। तो काफ़ी टाइम से मेरे को क्या था कि मेरे मन में चल रहा था कि यार मेरे पास ना 4x4 गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आगे अभी क्या देखो आपको पता ही है कि भाई मैं ट्रैवलिंग ज़्यादा करता ही हूँ और विंटर स्पीति करने का मेरा इरादा है, लद्दाख भी मैं अभी जा रहा हूँ और साथ साथ में अभी मेरा नेपाल वगैरह का प्लान बन रहा है कि काफी ज्यादा राइड रहने वाली है और आप लोगों को भी भाई बढ़िया धूम दिखने वाली है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ मेरे पास ना गाड़ी एक 4x4 हो, बढ़िया हो, लग्जरी हो, कंफर्टेबल हो। तो आज 4x4 पे बात करेंगे और चलो गाड़ी में बैठते और बैठ के बात करते हैं, साथ साथ ड्राइव भी लेते रहेंगे गाड़ी की। तो भाई अभी आ चुके हैं गाड़ी में और देखो ये ग्रैब हैंडल है ना भाई, मेरे को ये जबरदस्त लगता है, मतलब अलग ही फील देता है ये, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वाली। अब एक काम करते हैं, ये है मैनुअल, तो मैनुअल को लगाते हैं और चलते हैं। भाई क्लच तो बहुत स्मूथ है यार, क्लच भी स्मूथ है और ये देखो, ये देख रहे हो स्टीयरिंग, मतलब इस गाड़ी के साइज के हिसाब से ना काफी स्मूथ है ये। भाई गाड़ी तो स्मूथ है यार और एकदम से रॉकेट है भाई, तो फील होता है गाड़ी में ना पावर है, बहुत ज्यादा पावर है गाड़ी के अंदर। भाई क्लच तो मतलब और गाड़ियां भी देखी है मैंने, इससे छोटी भी देखी है डीजल में, इतना स्मूथ नहीं है यार क्लच किसी का, बस डीप है, डीप है, मतलब पर स्मूथ है, प्ले बहुत ज्यादा है। हाँ, जबकि 25,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट चल गई है गाड़ी। हाँ यार गाड़ी अच्छा चल चुकी है, इतने में तो सब निकल के आ जाता है गाड़ी का। हाँ। गाड़ी पूरी औकात दिखा देती है, खुल भी गई है और गाड़ी इंजन वाइज खुल भी गई है, मतलब इंजन खुल गया है। अच्छा वैसे, हाँ मतलब रबा हो चुकी है, मतलब है। और सबसे बड़ी बात ये आगे ना बड़खावट रोड सस्पेंशन देखो, अब यहाँ थोड़ा सा स्पीड मैनेज करते हैं यार। देखो हमने थार भी चलाई वहीं पे ही, थार भी चला के देखी और थार से इस पे आने का रीजन पता है क्या है, थार के अंदर ना यार मतलब बहुत ना ऐसा डिस्कम्फर्ट कह सकता हूँ मैं उसको ना, कि हाँ। इतना शेक करती है, इतना बॉडी शेक तो ये भी कर रही है पर वो सॉफ्टली कर रही है भाई, पता नहीं चल रहा देख इसमें। हाँ। मतलब वहीं पे बैठे बैठे मैं हल्का हल्का हिल रहा हूँ और उसमें क्या होता है ऐसे 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 ऐसे, थार के अंदर ये हुआ है भाई। हाँ। कि थार में जब कोई गड्ढा वड्ढा आता है ना, मान के चलो अब देखो यहाँ पे कैसे चल रहे, तो यूं 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 मतलब लिटरली अगर बंदा ढीला बैठा ना तो भाई इसको चोट भी लग सकती है। तो चलो भाई देखो क्या है भाई, फिलहाल मैंने इसके अंदर तीन मोड आते हैं, मैंने जीप में लगा रखा है और आप स्टीयरिंग देखो उसका, भाई स्टीयरिंग व्हील देखो कितना स्मूथ है, मतलब इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से मैं एक उंगली से कैसे घुमा रहा हूँ उसके स्टीयरिंग व्हील, भाई ये बहुत बढ़िया चीज है। उसके अलावा जो क्लच है, क्लच का प्ले थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन क्लच ना स्मूथ है, बहुत मजा आ रहा है मेरे को चलाने में, ऐसा लग नहीं रहा मेरे को इतनी बड़ी गाड़ी में चला रहा हूँ, वैसे कोई फीलिंग मेरे को आ नहीं रही है। बाकी ये सारा कुछ इंटीरियर इसका देख के मेरे को मतलब बढ़िया फील आ रही है, ऐसा मतलब चीप वाली फील नहीं आ रही है। उसके अलावा यही मैं अगर बात करूं, आप देख सकते हो भाई स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल इसके बिल्कुल बढ़िया लग रहे हैं मेरे को तो देखने में यार, मतलब सही लग रहा है। पर एक ना ये जो स्टीयरिंग है, क्योंकि Z6 है इस वजह से जो इसका स्टीयरिंग है वो लेदर रैप नहीं है, तो उसकी भाई थोड़ा सा मतलब एक बेसिक सी फील आती है मेरे को, इतना प्रीमियम फील नहीं आ रही है स्टीयरिंग व्हील में, लेकिन भाई कंट्रोल और कंफर्ट बढ़िया है। और अगर भाई मैं सीट की बात करूं, क्या इसके अंदर लंबर सपोर्ट आता है? हाँ। अच्छा लंबर सपोर्ट आता है, तो भाई देखो बिल्कुल मेरे को ऐसा लग रहा है जो मेरी वाली गाड़ी है ना उससे ज्यादा कंफर्टेबल है गाड़ी। अब थोड़ा सा ऑफ रोड पैच है, थोड़ा तेज चला के देखते हैं, फील करते हैं। भाई हमने थार भी चलाई थी। हाँ। तो अब इसको देखते हैं, करंटली मेरी जो स्पीड है वो मोर देन 40 है, आप देख सकते हो भाई, और उसके हिसाब से ना भाई
ये चीज ना, मतलब देखो क्या है, मैं मेरे को गाड़ी ऑफ रोड भी चलानी है, ऑन रोड भी। देखो आपने ना स्टेयरिंग व्हील छोड़ दिया है, इस टाइम आपने थार का छोड़ दिया होता तो उल्टा देती लिटरली। मतलब मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ भाई, ये गाड़ी मेरे को पसंद क्यों आ रही है अभी देखो भाई, आप थार की वीडियो जाके एक बार देखना, ऐसे 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 बॉडी रोल उस गाड़ी के अंदर भी है, इस गाड़ी के अंदर भी है, पर ये इतनी मूवमेंट हो रही थी हमारी ना, मतलब अगर ऐसा लग रहा ढीला बैठूंगा ना कहीं लग जाएगी। और पता है वो गाड़ी ना मेरे को थका रही थी यार, जैसे चला रहा था ना उसको, उस पर थकावट हो रही थी मेरे को गाड़ी को चलाते चलाते, और इस पे मेरे को वो चीज फील नहीं हो रही है भाई। अभी एक काम करते हैं, अभी हाईवे पे एक बार चढ़ते हैं और हाईवे पे परफॉर्मेंस चेक करते हैं गाड़ी की कैसा परफॉर्म कर रही है। देखो मेन क्या है, मेरे को एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो रियर व्हील हो, 4x4 हो, डीजल हो, और भाई कंफर्ट भी हो, स्मूथ भी हो। अब क्या है थार के अंदर वो स्मूथनेस नहीं है यार, मतलब मिसिंग है लिटरली, बिल्कुल ऐसा मेरे को ऐसा बोझ लग रही थी मेरे को कि यार वो गाड़ी मेरे पे बोझ बन गई है कि मैं कैसे उसको चलाऊं। अब मेरे को एक बार जाना पड़ गया वसंत कुंज, तो यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है, तो मैंने सोचा यार ट्रैफिक में इतना लेके जाऊंगा मेरी ऐसी तैसी कर देगी, तो छोड़ उसको इससे अच्छा। तो यार वो जो फील है ना, वो मतलब वो डर है उस गाड़ी के अंदर ना, वो इसके अंदर नहीं है वो चीज। जबकि ये गाड़ी इतनी हैवी है, उसका क्लच भी स्मूथ है, गियर भी स्मूथ है, स्टीयरिंग भी उससे बड़ी है भाई, इवन आपकी फॉर्च्यूनर से बड़ी है भाई गाड़ी। मतलब देखो और फील भी आती है, बोनट देखो आप जरा। हाँ भाई बिल्कुल। और अगर किसी का लो बजट है, किसी के पास 25 लाख रुपए है, ज्यादा पैसा नहीं है, 20 भी है मैं तो ये कहूंगा, तो भाई वो फॉर्च्यूनर का मजा ले सकता है। सीरियसली भाई देख, उसकी अलग क्लास है नो डाउट, उसके पैसे हैं तो वैल्यू भी वैसी है, उसके अंदर चीज भी वैसी है, लेकिन भाई कम नहीं है, लेकिन ये किसी चीज में। तो भाई अभी मैंने फिलहाल जिप मोड में लगाई है, और जिप मोड में पावर देखते हैं गाड़ी की। यार साथिक मेरे को ऐसा लगता है, कि गियर पकड़... है ना, हाँ। गियर थोड़ी टाइट है और थोड़ा लंबा होने से ऐसे लचीले से भी है। अब आपको इसका एक फंडा बताता हूँ, अब इसको आराम से शिफ्ट करोगे तो बहुत स्मूथ लगेंगे गाड़ी में, चलते चलते शिफ्ट कर लूँ इसको मैं क्या। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब जैप में लगाई है मैंने, अब लगेगा पकड़ा था हल्का सा खोल दिया। और अब इसको वहीं की वहीं लगाते हैं ज़ूम पे 19-20 का फर्क है ज़ैप और ज़ूम। सातवां गियर नहीं है इसमें, सातवां गियर भाई 17 पे चल रही है, 120 पे चल रही है, पता ही नहीं चल रहा। स्टेबिलिटी देखो ना क्या जबरदस्त है, और सबसे बड़ी बात ये गाड़ी रुकती नहीं है, 100 चढ़ती जाती है उसके बाद भी रुकती। अच्छा वैसे परफॉर्मेंस टोटल पूरा नहीं दिया भाई, और गाड़ी मतलब मेरे को बहुत बड़ी लग रही है यार, बहुत बड़ी फील हो रही है गाड़ी, कमांडिंग लग रही है पूरे रोड पे चलते हुए। और देखो मैंने कैमरा पकड़े हुए हैं कितने स्टेबल है, और मैंने जिस हिसाब से पकड़े हैं, और मैं भी एक हाथ से चला रहा हूँ यार, इतनी बड़ी गाड़ी है, और फील नहीं हो रहा। आपका स्टीयरिंग भी थोड़ा टाइट हो गया होगा स्पीड में पहले के मुकाबले, अभी देखते कितना आती है, 130 135 140 बस ये है ना, थोड़ी बॉडी रोल है तो कॉर्नरिंग करते वक्त दिक्कत आती है, वो फील होता थोड़ा सा ना। हाँ स्ट्रक्चर ही ऐसा है ना। भाई देखो गाड़ी तो बड़ी है तो वो फील तो होगा ही होगा, देखो आपको मेरे को ऐसा लगता है 142 चल रही है इसके हिसाब से, ठीक है यार गाड़ी के हिसाब से 142 ना। हाँ चलो भाई ट्रैक्शन ऑफ कर दिया, अब देखते हैं एक बार गाड़ी को ना, मतलब हम 0 to 100 नहीं कर रहे एक्जेक्टली, लेकिन कर भी रहे हैं लेकिन ऑन रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, हम खाली ये समझना चाह रहे हैं इसकी पावर कैसी है, इसका टॉर्क कैसा है। भाई ये फ्रंट व्हील नहीं है और जबकि इतना व्हील स्पिन ले गई भाई, गजब है भाई लिटरली भाई। और ब्रेक चेक करो पर साथ भी टाइट रहना प्लीज है। हाँ जी भाई साहब, मैंने आपको बोला 80 पे मैंने ब्रेक मारे हैं। हाँ मैंने आपको बोला था एक बार ट्राई करके देखो, ये लगता है कि ब्रेक नहीं ले पाएगी। हाँ। तो बहुत तगड़ा एबीएस है इसका, नहीं ब्रेक तो बढ़िया है भाई, बाकी आपका एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वायरलेस आ जाता है ठीक है, उसके अलावा भाई आपकी सनरूफ आ जाती है, थोड़े से फीचर के बदलाव किए गए हैं। अब Z6 उतना VFM यानी वैल्यू फॉर मनी नहीं बचा है, अब काफी फीचर काट दिए गए हैं। हाँ, जितना पहले था अब उसमें एड्रेनॉक्स काट दिया है, एलेक्सा काट दिया, आपका वो मीटर काट दिया है, मतलब MID काट दिया है, और ये वाला मीटर देने लग गए हैं अब।
ये वाला जो शीरो है ये वाला दिन लग एंड्रॉइड वाला दिन लग गया। अभी इन्होंने क्या किया एग्जैक्टली कि जो सनरूफ है और जिप जैप जूम है वो दे रहे हैं, ये खाली दो फीचर दे और रहे हैं। Z4 से Z6 में आपके 1.5 लाख का फर्क है। हाँ, भाई इतना दे रहे हैं बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी राम मेरे हिसाब से अभी है। तो यार भाई सात्विक मेरे ख्याल से ना मतलब जो मैं फिलहाल के लिए मैं बकेट लिस्ट ही बोल रहा हूँ उसको यार, क्योंकि मतलब अभी मैं उनमें से देखूंगा किसको लेना किसको नहीं। हाँ। तो इसके आने से मैं थार को बाहर निकाल के फेंक रहा हूँ। पर तो अभी इसके वेरिएंट ना 4x4 में 3-4 ही आते हैं, अगर मैनुअल की बात करें तो Z4 आ जाता है, Z8 आ जाता है, Z8 आ जाता है। तो वही मैं एक बार जाके देखता हूँ कौन सा मेरे लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा। हाँ। चला के देखो। हाँ, फील करके देखो, देख लेंगे और थोड़ा स्टॉक में भी देखेंगे, थोड़ा ऑटोमेटिक का भी फील हो जाके हर चीज का फील हो। ऑटोमेटिक का यार ये है कि वो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है ओवर प्राइस ना हो जाए, पर एक बार मैं ट्राई जरूर करूंगा। और मैं तो चाहूंगा लोगों को भाई कमेंट करो कि हमें थार 5 डोर के लिए वेट करना चाहिए। हाँ, ये आप मतलब मैं आप लोगों की सजेशन चाहता हूँ। भाई मेरे को तो वैसा लगता है कि गाड़ी का जो बेस है ना वो तो नहीं बदल जाएगा कोई, अगर अगर आप वही क्रेटा एल्कांटारा में देखो ना। हाँ। कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है गाड़ी के अंदर। मैं और ये भी बोलूंगा आप हर गाड़ी ट्राई करो, हैरियर ट्राई करो, सफारी ट्राई करो। नहीं मैं देखूंगा यार, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं 4x4 में ही देखूंगा और रियर व्हील में ही देखूंगा कि कौन कौन सी मेरे को मिलेगी, फ्रंट व्हील में कोई भी गाड़ी नहीं देखूंगा। और इसके आने से भाई एक तरफ मैंने फेंक दिया उठा के थार, अब आगे देखते हैं। और जिमनी भाई, जिमनी तो लायक ही नहीं है, 12 लाख रुपए की बिक्री थी अभी दिसंबर में, और जबकि नई न्यूली लॉन्च थी वो तो गाड़ी, उसके बाद भी वो हाल हो गया उसका। तो चलो कोई नहीं, इस वीडियो को फिर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी नए व्लॉग में किसी नई चीज के साथ में। बाय बाय, थैंक यू।